महाराष्ट्र भारत का सबसे धनी व विकसित राज्य। चारों ओर मीलों तक फैले केले के खेत महाराष्ट्र को भारत में सर्वाधिक केलों का उत्पादक बनाते हैं। महाराष्ट्र के एक शहर औरंगाबाद से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं, 30 रॉक कट बुद्धिस्ट गुफाएं जिन्हें बेहद बारीकी से चट्टानों को काट काट कर गढ़ा गया। डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न घाट्स को आज से 2300 वर्ष पूर्व इतनी उत्कृष्टता से तराशा गया कि आज स्कॉलर्स अजंता की इन गुफाओं को भारतीय कला व चित्रकला का बेहतरीन व सुंदर नमूना मानते हैं। अजंता की नरेटिव वॉल पेंटिंग्स बौद्ध धार्मिक कला की मास्टरपीस हैं, जिनमें बौद्ध व जातक कहानियों को चित्रित किया गया था। महाराष्ट्र का दूसरा रत्न एलोरा। 1600 वर्ष पूर्व एलोरा में बौद्ध, हिंदू व जैन धर्म की 34 गुफाओं को पहाड़ों से हजारों टन शिलाएं हटा बनाया गया। रॉक कटिंग की ऐसी भव्य व बारीक कारीगरी ने एलोरा के गुफा मंदिरों को संपूर्ण विश्व में केव आर्किटेक्चर के चरम शिखर पर पहुंचा दिया। यह यात्रा है भारत के इन सबसे प्राचीन केव टेम्पल्स की, हमारे अतुल्य भारत की अनूठी विरासत की, हमारी अद्भुत गौरवशाली संस्कृति की। हजारों वर्षों तक अनेक रहस्य अपने में छुपाए ये गुफाएं गुमनामी के अंधेरों में गुम रहीं। खोजे जाने पर इन गुफाओं ने जैसे सारे अंधेरों से पर्दा उठाते हुए अपनी उत्कृष्ट चित्रकला व शिल्पकला से संपूर्ण जगत में धूम मचा दी। देश विदेश से लाखों सैलानी प्रतिवर्ष इन केव टेम्पल्स को देखने भारत आते हैं, मगर हमारी नजर तो तलाश कर रही है अजंता एलोरा के उन रहस्यों की जो आज भी यहाँ दफन हैं और अंधेरों से प्रकाश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए एक पारखी नजर व गहन एकाग्रता, और दिल चाहिए कला का मर्म समझने वाला। तो यही मन में ठान हम निकल पड़े हैं काल के रथ में सवार, समय में 2300 वर्ष पीछे जाने के लिए। अतीत के पन्नों को पलटते हुए इतिहास दोहराकर अध्ययन करेंगे अनछुए अन उजागर तथ्यों और पहलुओं का। हम देखेंगे कला की कुछ बेहद दुर्लभ अभिव्यक्तियों को और नजर डालेंगे उनके भीतर छिपे गौरवशाली इतिहास पर। जानेंगे केव टेम्पल आर्किटेक्चर को और अध्ययन करेंगे अजंता एलोरा की निर्माण शैली का, जिसके कारण ये प्राचीन गुफाएं आज तक टस से मस नहीं हुई। गोता लगाएंगे भारत की प्राचीन तकनीकों व परंपराओं के सागर में और ढूंढेंगे उन श्वेत मोतियों को जो सहज ही हमें प्रकृति संग एक ही डोर में बांधते हैं। गुफाओं के अंधेरे में साक्षात्कार होगा दिव्यता का, जब प्रकट होगा वो परम रहस्य। तो आइए प्रवेश करें एक दिलस्मी दुनिया में, जहां कण कण में बसता है जादू एक अद्वितीय इतिहास का, क्योंकि ये है द केव्स ऑफ मैजिक अजंता एलोरा। एलोरा की गुफाएं सबसे भिन्न संसार में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। अजंता से विपरीत एलोरा में तीन अलग अलग धर्मों के गुफा मंदिर हैं, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म व जैनिज्म। आज से 14 शताब्दियों पूर्व उत्खनित यह गुफाएं भारत की अनेकता में एकता व धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। इतिहास पर नजर डालें तो इन गुफाओं का एक्सकेवेशन गुप्ता काल में 6 शताब्दी ईस्वी से प्रारंभ हुआ। प्रस्थान करते हैं गुफा क्रमांक 32 की ओर। जैन धर्म के दिगंबर पंथ को समर्पित यह गुफा 10वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित की गई। यह द्विमंजिली संरचना जैन गुफाओं में सर्वश्रेष्ठ है। मंदिर का स्थापत्य द्रविड़ियन व बौद्ध शैलियों का अद्भुत मिश्रण है। गुफा के खुले प्रांगण के मध्य स्थित है मंदिर एवं एकाश्मक अर्थात मोनोलिथिक हाथी का शिल्प। एलोरा की सभी जैन गुफाओं का उत्खनन राष्ट्रकूट साम्राज्य द्वारा किया गया। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा एलोरा में किया गया कार्य द्रविड़ियन शिल्पकला में मील का पत्थर साबित हुआ। निचली मंजिल के प्रवेश द्वार को अलंकृत किए हैं एक पंक्ति में गजों का पैनल।
हाथियों के नेत्र, दांत, सूंड, कर्ण, आभूषण सभी बेहतरीन कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। प्रतीत होता है कि हमारे अभिवादन हेतु ये गज अभी सजीव हो उठेंगे। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह गज प्रांगण, स्तंभ व गुफा की संपूर्ण द्विमंजिली संरचना एक ही विशाल अखंड चट्टान से काट काट कर बनाई गई। यह गुफा 32 जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से एक भगवान महावीर को समर्पित है। साथ ही 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ तथा जैनिज्म के महापुरुष गोमतेश्वर बाहुबली जी को भी चित्रित किया गया।
फिर जिस काल में इसका उत्खनन किया गया होगा तब तो इसके शिल्प एवं पेंटिंग्स का जादू चारों ओर बिखर कर सभी को सम्मोहित कर देता होगा।